सर क्या घटना है? जूना मुंडा परिसर में भवानी नगर में अभी रात के करीब 11 बजे के आसपास एक हमारे को खबर आई थी कि 200 लोग यहाँ पर जमा हो चुके हैं। उसके बाद हमारी टीम यहाँ पे सीपी सर, सभी डीसीपी, एसीपी, सारे इंचार्जेस हमने यहाँ पे इमीडिएटली यहाँ पर पहुँचे तो हमने पाया गया कि कंप्लेनेंट सुमित थोरात के घर पर करीब 8 लोगों का उन्होंने अभी तक हमारे को कंप्लेंट में नाम दिया है, वो लोग वहाँ पे घर में घुसे और उसमें मारापीटी हुई है। इनकी बेसिक कंप्लेंट यह है कि ये जो 8 लोग हैं और इतर बाकी लोग हैं ये यहाँ पे आके नशा करते हैं, यहाँ पे आके रास्ते पर रोक के केक काटते हैं, रोज़ शाम को परेशान करते हैं। इस चीज़ को चलते चलते इनमें झगड़ा हुआ और उन्होंने सुमित नाम के इंसान को मारा है। इसमें से जो 8 आरोपियों का नाम इन लोगों ने हमारे को दिया है, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही रिलीजन के लोग इन्वॉल्व हैं, महिलाओं का भी नाम उसमें आरोपी में है। तो अभी जो हमारे निर्देश में आया है, पुलिस के निर्देश में, कि इस चीज़ को वायरल किया जा रहा है कि मुस्लिम लोगों ने घुस के सुमित के घर में जाके मारपीट की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं शहरवासियों से कहना चाहूँगा कि आप अफवाहों पर विश्वास ना करें, पुलिस यहाँ पर स्पॉट पर पहुँच के पूरा हम लोगों ने तहकीकात की है और इसमें हिंदू मुस्लिम चीज़ कुछ भी नहीं है। सभी लोगों का मिल के आपसी में इनका एक मोहल्ले में इनका आपस में मतभेदों के कारण इनमें आपस में झगड़ा हुआ है, जिसकी हम FIR रात की रात ही करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने 4-5 आरोपियों को इसमें हमने हमारे ताबे में ले लिया है और बाकी के आरोपी को भी हम जल्दी से जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। मैं वार्न भी करना चाहूँगा साथ के साथ सभी शहरवासियों को, कोई भी बिना वेरीफाई करे अगर र्यूमर को फैलाएगा तो हम उनको भी आरोपी बनाएंगे। तो शहर की शांति और शहर की अमन को बरकरार करके रखिए, किसी भी चीज़ को बिना वेरीफाई करे आप वायरल मत कीजिए। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मैं DCP जोन 2 आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आप उस पर विश्वास कीजिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन पर विश्वास कीजिए और किसी भी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को वायरल ना कीजिए। धन्यवाद।